मनरेगा कानून के तहत 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु बड़े अफसोस की बात है, भदोही जिला के शिवरामपुर गांव में श्रमंती देवी सहित 30 मजदूर परिवार को 1.5 वर्ष से भुगतान न होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा में आप काम किए रहे? हाँ। कई लोग मिलकर काम किए रहे? 30। और कहाँ पे आप लोग काम किए रहे? तालाब में। कितने दिन काम किए रहे? 1 महीना। जोन काम किए रहे नौकर पैसा मिल गवा? नहीं। पैसा ना मिले से आपके का समस्या होता? समस्या ये होता बहन जी की गदेला कैसे खियाई जियाई, कैसे पढ़ाई लिखाई, खर्चे नहीं बा। पैसा पावे के लिए आपने कोनो प्रयास किए रहो? किए रहे, प्रधान के लगे धौड़ धौड़ गए बहन, कहे आज निकले काल निकले। अच्छा, आपके अगर पैसा मिल जाए तो आपके का फायदा हुए? यह फायदा हुए बहन की गदेलन के खियाओ जियाओ, खर्चे लियाओ, और का करो बहन। चाहता है कि हमारा पैसा मिले बहन जी, हम नरेगा फिर करें। आपकी का समस्या बा? हमारी समस्या बात है कि मैंने नरेगा में काम किया है लगभग 35 दिन और पैसा नहीं मिला है। प्रधान के पास जाने पर जो है वो बराबर जो है किताबबाजी से बात करते हैं, पैसा नहीं है, बजट नहीं आया है। आप लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाइए, दरखास्त दीजिए। मनरेगा में आप कब काम किए रहे? हमने जो है की 29 दिसंबर 2013 से। कितने रुपए का भुगतान हुआ है? 700 रुपए का। भुगतान न होने पे आपके का समस्या होता? हमारी समस्या है कि भुखमरी की समस्या है, लड़कों को पढ़ाने लिखाने की समस्या है, दवा दारू की समस्या है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए, उसके बाद काम मिलना चाहिए। आपके यहाँ मनरेगा मजदूर काम किए थे, क्या कारण है कि उनका अभी तक भुगतान नहीं मिला? 11 जनवरी में काम किए थे, उसके बाद पैसा चला गया और पैसा आया तो कोशिश हो रही है मिलने की। आप क्या चाहते हैं? उनकी मजदूरी मिले। प्रधान जी ये बताइए कि इनका भुगतान कब तक हो सकता है? अरे हो सकता है यही मई जून में, पैसा आ गया है भुगतान हो जाएगा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन सभी मजदूर परिवारों का जल्द से जल्द भुगतान हो ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि भदोही ब्लॉक के वीडियो जिनका मोबाइल नंबर है 94 54 46 51 28 पर कॉल कर दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं केशा देवी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।